नमस्कार आप सभी का स्वागत है आज हम समझने वाले हैं हमारा विषय है पार्ट तीन गणित का देखिए ये हमारी गणित की पुस्तक है दसवीं क्लास की सेकेंडरी लेवल की इसमें हम पार्ट तीन कर रहे हैं आज का हमारा इसमें विषय है वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट इन अपोलिन वेरिएबल और कॉन्सेंट के दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं और सेकेंडरी लेवल में और जैसे जैसे क्लासेस के लेवल बड़े होंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे इनको समझना और इनके कॉन्सेप्ट को समझना बड़ी क्लास के गणित को करने के लिए बहुत ही आवश्यक है तो ये आधार प्रदान करेंगे हमारे लिए और हम इसको समझें ठीक से ये बहुत ज़रूरी है और ये हमारे पार्ट तीन की आठ नंबर की वीडियो है इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है पॉलिनोम्स के वेरिएबल्स और कांस्टेंट को समझना और एक्सपेक्टेड बैकग्राउंड नॉलेज जो आवश्यक है इस वीडियो को समझने के लिए वो ये है आपको पहले से नंबर सिस्टम का ज्ञान होना चाहिए फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस जो जमा घटा गुणा भाग है उनका ज्ञान होना चाहिए और बाकी एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट जो भी मैथ्स के आपने प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल पर पढ़े हैं उनका ज्ञान होना आवश्यक है उस ज्ञान के आधार पर आप इस वीडियो को आसानी से समझ सकते हैं आइए शुरुआत करते हैं हम कुछ मुख्य शब्दों से तो इम्पॉटेंट वर्ड्स हैं जो हमें समझने हैं लाइक टर्म्स और दूसरा शब्द है ये इसका विपरीत है अन लाइक टर्म्स देखिए ये दोनों लाइक like और अनलाइक एक दूसरे के विपरीत हैं तो डिफरेंट का ये इशारा ये है पर अनलाइक और डिफरेंट एक समान कहलाते हैं जैसे हम सभी जानते हैं कि हम दोनों के हमारे दोनों हाथों में पांच पांच ही उंगलियां हैं तो पांचों उंगलियां सेम हैं तो ये दोनों एक समान हैं लाइक कहेंगे कि हमारे दोनों हाथ एक जैसे हैं तो इसे अंग्रेज़ी में और हम क्या कह सकते हैं सेम हैं जैसे कि अगर मेरे पास ये पुस्तक है आपके पास भी यही पुस्तक है तो हम कहेंगे सेम बुक या बोथ हैव लाइक बुक्स तो यहाँ पे बोथ बुक्स आर अलाइक अंग्रेजी में उसको अलाइक कहेंगे जिसका अर्थ वही सेम होगा ए शब्द साथ में जुड़ जाएगा और वो अलाइक कहलाएगा पर अगर हम कहें कि नहीं मेरी बुक और तुम्हारी बुक अलग है सेम नहीं है तो उसे हम कहेंगे अनलाइक या डिफरेंट उसे कह सकते हैं बोथ बुक्स आर अनलाइक मतलब एक जैसी नहीं है या और क्या कह सकते हैं बोथ बुक्स आर डिफरेंट तो ये दोनों शब्द महत्वपूर्ण हैं लाइक like टर्म्स और अनलाइक टर्म्स इनको समझना आवश्यक है ये समझने के बाद आप आसानी से इस पार्ट को समझ सकते हैं क्योंकि लेसन थ्री पॉलीनोमियल कई बार आप पढ़ चुके हैं तो आप सबको ये पता ही होगा पॉलीनोमियल शब्द को तोड़ने पर पॉली और नोमियल दो शब्द मिलते हैं और पॉली शब्द का अर्थ है मैनी और नोमियल शब्द का अर्थ है टर्म्स पॉली शब्द के अर्थ को भी हम जानते हैं और नोमियल शब्द को भी हम जानते हैं अब इसमें हमें पहले की नॉलेज के आधार पे बताना है कि ट्रू या फॉल्स ये हैं कि नहीं हैं सही या गलत आपको बताने हैं क्या ये लाइक टर्म्स हैं क्या ये लाइक like टर्म्स नहीं हैं तो आपको ये सोचना है जैसे पहला सवाल है कि थ्री एक्स और फोर एक्स क्या ये लाइक टर्म्स हैं देखिए लाइक like. अब कैसे बताएंगे लाइक टर्म्स मतलब जैसे हमने पहले देखा था कि एकदम सेम यहां पे वेरिएबल हमारा सेम है एक्स उसमें भी है और एक्स इसमें भी है और ये वेरिएबल है तो जब वेरिएबल सेम होते हैं तो हम उत्तर देंगे यस yes. ये लाइक टर्म्स हैं हमने सिर्फ वेरिएबल को देखना है अब देखिए इसमें एक्स और वाई है और इसमें सिर्फ एक्स है तो ये लाइक like होगा कि अनलाइक होगा देखिए अनलाइक अर्थात अलग है तो ये भी हमारा सही है कि ये भी अनलाइक टर्म्स है अब इसमें देखिए एक्स वेरिएबल है ये एक्स वाई है और ये वाई है तो ये तीनों ही अलग अलग हैं तो तीनों ही वेरिएबल्स जब अलग अलग हों तो हम इसको कहेंगे नहीं नो नॉट लाइक तो ये हमारा हो गया उत्तर कि ये लाइक like टर्म्स नहीं है इसी तरह से हमें सरलता से उत्तर देना है अब इस सवाल में आपको वेरिएबल ढूंढने हैं देखिए वेरिएबल क्या है एक्स यहां भी एक्स तो एक्स हमारा वेरिएबल है यहाँ एक्स वाई और एक्स और यहाँ सिर्फ x देखिए यहाँ कितने वेरिएबल हुए एक्स वाई और x तो ये दोनों अलग अलग हैं तो x एंड y आर वेरिएबल्स अब इस सवाल में देखें x वेरिएबल है यहाँ x और y अलग अलग हैं दो वेरिएबल और यहाँ पे y तो इसमें भी देखिए जैसे इसमें x और y थे उसी प्रकार इसमें भी x और y वेरिएबल्स होंगे एक्स और वाई वेरिएबल हैं। आगे आप इसी प्रकार अभ्यास कर सकते हैं वेरिएबल्स को ढूंढने के लिए अब इसमें आपको कांस्टेंट को ढूंढना है देखिए ये भी बहुत आसान है कांस्टेंट, कांस्टेंट का अर्थ फिक्स जो चेंज ना हो एक समान रहे अब इनमें देखिए ये थ्री एक्स है एक्स वेरिएबल है तो ये चेंज हो सकता है जहाँ भी वेरिएबल होगा वो चेंज हो सकता है जहाँ भी वेरिएबल होगा वो चेंज हो सकता है पर जहाँ वेरिएबल नहीं है वो कांस्टेंट रहेगा तो इसी तरह बिना वेरिएबल के जो मान होगा जो टर्म होगा वो कांस्टेंट होगा तो इसमें कांस्टेंट ये है हमारा कॉन्स्टेंट का मतलब होता है फिक्स जो चेंज नहीं हो सकता तो ये हमें ध्यान रखना है अर्थात जिसकी वैल्यू ना चेंज हो अब यहां पे ये भी महत्वपूर्ण है को शब्द इसको भी आपने याद रखना है खासकर स्पेलिंग को वेरिएबल के साथ में जो भी अंक या जो भी कुछ होगा उसे वेरिएबल कहते हैं जैसे यहाँ पे थ्री एक्स है यहाँ पे फाइव एक्स वाई है यहाँ पे थ्री है एक्स के साथ में इसमें एक्स के साथ में दो है एक्स वाई के साथ में तीन है तो कुछ भी हो जो वेरिएबल के साथ में हो वो आपका को कहलाता है अब इसे हम अगर करके देखें तो कोओफिशेंट हो गया इसका तीन थ्री इजी कोअफिशियंट तीन हमारा कोअफिशियंट कहलाएगा एक्स का उसी तरह से फाइव एक्स वाई में पांच जो है कोअफिशियंट है एक्स वाई का और एंड तीन कहा जाएगा थ्री इज द कोअफिशेंट ऑफ एक्स तो ये हमारा उत्तर हो गया अब तीसरे सवाल में दो एक्स जमा तीन एक्स वाई इसमें भी दो हमारा कोफ़िशेंट हो गया और एक्स वाई के साथ में थ्री तो इसी तरह से आपको अभ्यास करना होगा सवालों का आगे बढ़ते हैं अभी तक इस वीडियो में हमने पोलिनोमिल को समझा पोलिनोमिल क्या होता है ये हम समझ चुके हैं वेरिएबल को हमने समझा वेरिएबल का अर्थ है जो बदलता रहे एक समान ना रहे उसके बाद कांस्टेंट जो फिक्स वैल्यू होती है उसे कांस्टेंट कहा जाता है उसके बाद हमने लाइक like टर्म्स को समझा कांस्टेंट हम समझ चुके हैं कांस्टेंट फिक्स वैल्यूज होती हैं जो बदलती नहीं है। कांस्टेंट के बाद लाइक like टर्म्स जो एक जैसी टर्म्स होती हैं और उसके बाद में अनलाइक टर्म्स अर्थात जो अलग टर्म्स होती हैं डिफरेंट टर्म्स होती हैं उन्हें अनलाइक टर्म्स कहते हैं तो लाइक like और अनलाइक ये हमें देख करके समझना होता है तो उम्मीद है ये वीडियो का समरी संक्षेप में समझ में आया होगा अगर आपके मन में कोई शंका है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं आपके सुझाव कोई भी बात जो आप कहना चाहते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए धन्यवाद